मसीह के पाक नाम से जारी रखें। बाप और बेटे और रुद्रुस के नाम से आमीन। हमारे खुदावर यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रुद्रुस की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। अजीज मोमिनी, आज हम पाकमा कैथेड्रल कलीसिया के साथ मिलकर साल के दौरान 21वें इतवार की इबादत में शरीक हुए हैं। आज की तलावतों में खुदावंद का फरमान है कि वो नए हुक्मरानों को मजबूती बख्शेगा, क्योंकि खुदा की तरफ से चार्ज पाएगा और खुदावंद उनसे ताकत, कुव्वत और सरफराजी देगा। इसलिए खुदावंद कहता है कि मैं उसे कील की मानद मजबूत जगह में कायम करूंगा। जब खुदावंद किसी को अजमत अजमत बख्शता है, वो इसके साथ साथ उसे हिकमत भी अता करता है, ताकि वो हिकमत के साथ हुक्मरानी कर सके। मेरे अजीज भाई और बहनों, आइए इबादत के शुरू में ही अपने कमजोर और गुनाहगार होने का इकरार करें, ताकि लायक और वाजिब तौर पर अपनी सदस्य कुर्बानी को खुदा के हुजूर गुजरा सके। मैं कारण पे खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूं कि मैं अपने ख्यालों, बातों और कामों में इस समय से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दस मरियम हमेशा कुर्बानी सब रिश्तों और आप सब से इल्तमास करता हूं कि खुदावन हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। और कारण खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करें और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करें। Thank you.
और उनको इत्तफाक और इत्तेहाद की तौफीक अता करता है। इनायत कर के तेरे लोग तेरे हुक्मों को अजीज जाने और तेरे वादों के पूरा होने की तमन्ना करें, ताकि वो इस वजह से दुनिया के तबदर पसीर हालतों में अपने दिलों को बदले बगैर हकीकी मुसर्रत की तरफ लगाए रखे। मसीह खुदा के वसीले से जो तेरे साथ रूह कुदस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। मैं दाऊद के घर की कुंजी उसके कंधों पर रखूंगा। हमारी लिए आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफा 22 बाब 19 से 23 आयत तक। खुदावन रब्बुल अफ़्फ़ाज महर के मुख्तियार शुभना को यूं फरमाता है, मैं तुझे तेरे मनसिब से बरतरफ करूंगा और तू अपने दर्जे से नीचे को खींचा जाएगा, और उसी रोज मैं अपने बंदे इलियाकीम बिन हल्किया को बुलाऊंगा और तेरी पोशाक उसको पहनाऊंगा और तेरा कमरबंद उसको बांधूंगा और तेरा अहद उसके हाथ में दूंगा और वो यरूशलेम के बाशिंदों और यहूदा के घराने का बाप होगा, और मैं दाऊद के घर की कुंजी उसके कंधों पर रखूंगा और वो खोलेगा तो कोई बंद ना करेगा और वो बंद करेगा तो कोई ना खोलेगा, और मैं कील की तरह उसको मजबूत जगह में कायम करूंगा, तो वो अपने बाप के घराने के लिए जलाल का तब होगा। पाकराम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। यकीनन खुदावन मुताल है फिर भी पस्त हाल पर
आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम 11 बाब 33 तारा 36 आयत है। सब चीजें उसी के सबब से हैं, उसी से और उसी के लिए हैं। ए भाइयों, खुदा की दौलत और हिकमत और इल्म किस कदर उम्मीद है, उसकी कजाएं क्या ही बैदुल द्राक और उसकी राहें क्या ही बेनिशान हैं। किसने खुदावंद की अकल को जाना है, या कौन उसका मशीर हुआ है, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए। क्योंकि उसी से और उसी के सबब से और उसी के लिए सब चीज़ें हैं, अब तक उसकी तमजीद होती रहे। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। चाहता है, इख्तियार देता है, खुदा से जो ताल्लुक
استوار کرتا ہے اور جو خدا سے تعلق بگاڑ لے تو ظاہر بات ہے خدا اس سے ناراض ہو جاتا ہے, اس سے وہ برکت جاتی رہتی ہے. جب کوئی انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے نا تو وہ اپنے ساتھ بے شمار برکتیں لے کر آتا ہے, قوت لے کر آتا ہے خدا کی برکت. یہ معصوم بچے آپ دیکھ رہے ہیں, یہ بچہ ہے چھوٹے بیگ کے ساتھ اپنے بیگ کے ساتھ آیا, یہ چھوٹی چھوٹی دو بیٹیاں ہیں, ایک اپنے قوم پر وہ کچھ باندھ رہی ہے, کیا باندھ رہی ہے, یہ معصوم ہے. ایک اور ادھر بیٹھا ہوا تھا, وہ جب سلیپ کا نشان کر رہے تھے وہ دیکھ رہا تھا میں کیا کروں, پھر کبھی کبھی تو وہ اپنے طریقے سے, لیکن ہم کہتے ہیں سیدھا نہیں بیٹھ رہا اس کو, یہ ہے وہ ہے وہ ہے, یہ ان کا تعلق خدا کے ساتھ ہے اور آسمان کی بادشاہی سننے کی. سو جو تعلق خدا کے, جب کوئی انسان اس دنیا میں آ رہا ہے وہ اپنے ساتھ بہت ساری برکتیں نہیں کراتا, لیکن جیسے جیسے وہ گناہ سے آشنا ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ اس سے برکتیں جاتی رہتی ہیں, وہ معصومیت چلی جاتی ہے, وہ چہرے کی رونق ہے, وہ جو معصومیت ہے اس سے کھو جاتی ہے. جب معصومیت کھو جائے تو پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دنیا کے جیسا ہوتا ہے. تو خدا برکت دیتا ہے, بچوں کو برکت دیتا ہے, اس لیے کہتا ہے کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو. تو مقصد یہ کہ جس کا دل بچوں کی طرح, جس کا جو ہے وہ روح بچوں کی طرح ہو, جو دوسروں بچوں میں خوبی کیا ہے, بچوں میں خوبی یہ ہے کہ وہ اگر تھوڑے ناراض بھی ہو جائے فوراً بھول جاتا ہے, پھر اکٹھے کھیلتے ہیں, وہ کسی سے کوئی بات دل میں چھپا کے نہیں رکھ لیتے کہ اب میں جو ہے وہ کبھی اس کو معاف کروں گا یا ایسی بات. سو ایسے دل خدا کو پسند ہے, تو اس طریقے سے ایسے اشخاص خدا کے ساتھ تعلق وابستہ کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی دل میں اپنے کسی کے خلاف کوڑ پیدا کر لے تو خدا کہتا اچھا ٹھیک ہے میں نے تجھے برکت دی ہے نا تو میں اب تجھ سے اختیار بھی دے جاؤں. آج کی پہلے تلاوت میں بھی جو ذکر کیا گیا شاعر نبی کے صحیفہ میں سے, یہ شاعر نبی کا صحیفہ جو ہے یہ تین حصوں پر مشتمل ہے, اگر اس کو ڈیوائڈ کیا جائے تو تین حصوں پر, اور پہلے حصے میں ہیں جہاں پر شاعر نبی بار بار وارننگ دیتا ہے کہ تمہارے ساتھ ہونے کیا والا ہے, اور وہیں پر اس کو جو محل میں منصب دار ہے اسے کہا جا رہا ہے تیرا اختیار دے دیا جاتا ہے اور ان سے اختیار دے دیا جاتا ہے اور اسے اس کی طرح پر مقرر کیا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے انجیل مقدس میں بھی اس بات, اس میں خاص ایک لفظ آتا ہے, وہ آتا ہے کنجیاں. کیا لفظ آتا ہے؟ کنجیاں. کنجیاں کبھی دیکھی ہے؟ کس کس نے دیکھی ہے کنجیاں؟ کنجیاں کنجیاں ویکیا نہیں ویکیا پیر مہانے کی ہے اللہ تک کہیں ہم تو بہت شوق ہے انہوں نے پتہ نہیں کیا, پھر اردو میں بھی لفظ کنجیاں استعمال کیا گیا, مراد ہے یہ تالے کی چابیاں. کنجیاں کنجیاں اختیار کی علامت ہے, صحیح ہے, کنجیوں کا ہونا رنگ کا ہونا یہ اختیار کی علامت ہے. کنجیاں ہیں جب کوئی بہو بیاہ کے لائے جائے گا تو ساس سے دیا لگا ہے بھیا ذمہ داری عام طور پر کرتے نہیں ہیں, لیکن تھوڑا حوصلہ کرنے میں کیا حرج ہے کہ چلو جی اللہ کو وہ مرتے دم تک چابیاں اپنے رہتی ہیں. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب سے شروع کہتے ہیں, کیونکہ ظاہر بات ہے کہیں نہ کہیں سربراہی میں سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے بیٹیوں کو, بہوؤں کو, بہوؤں کو بیٹیوں کی طرح پیار کرنا اور ساتھ ساتھ چیزوں کو سمجھانا گھر کیسے چلنا ہے. تو کنجیاں جو ہے اختیار کی علامت ہے, اور آج کی انجیل مقدس میں بھی خداوند یسوع مسیح کنجیاں دے رہے کہ بھائی میں یہ کنجیاں اب تمہارے ہاتھ میں ہیں, تم جو زمین پر باندھو گے آسمان پر باندھو گے. یہ پہلو جو ہے مراد یہ کہ جو خدا کی بادشاہی کو جانتا ہے, جو خدا سے اپنا والانہ محبت کرتا ہے, اور بات کہاں سے شروع ہوتی ہے, اب میں آتا ہوں مین بات کی طرف, بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ خدا یسوع مسیح ایک سوال کر رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں, لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ شاگرد بیٹھے ہیں شاگردوں سے سوال, یسوع کیسری یا فلپی کے علاقے میں آیا, ابھی کو سال چھ مہینے سوا سال ہو گیا گرد کرتے ہوئے, تو
सॉलिडेट साहब की बात कहने लगा, लोगों को क्या नजरिया, ये मौजरी कर लिए, ये 5 साल को खाना खिला दिया, एक जगह पे 4 साल को खिलाया, ये अंधों को आंखें दी, ये यरू के नाबीनों को ठीक कर दिया है, ये खातून जो 12 साल से अधरारे खून मुबतला थी उसको शिफा दे दिया है, ये पतरस की सास को ठीक कर दिया, बहुत से शिफा हो गई। अब लोगों के बारे में क्या करते, किसने कहा मूसा, किसने कहा नबियों में से कोई एक, लेकिन गुलाम किसी ने कहा तुम मुझे क्या करते, गुलाम किसी की बात को एक तरफ छोड़े आज कुछ और बात करते। मैं पूछना चाहता हूं कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, लोग थोड़े बारे की क्या कहते हैं, बाहर लोग भी छोड़ दे ना, तो वो जो गैर घूमे में ये कहती है अपना के मोहल्ले में आपको क्या कहते हैं, फलां का बेटा है, फलां की बेटी है, हाँ जी जी पहचान, शाबाश, लोग क्या कहते हैं, लोगों का नजरिया मिलता मैंने क्या है तो बड़ा दुआ तो है लेकिन अंदरों को बड़ी प्रयास, कभी सोचे थोड़े बारे कभी किसी ने भी ये नहीं सोचा है, मैं मेरे बारे में सोच रहा हूँ, मैं तो बड़ा अपने बारे में दुआ वाला और यार सोचने में अच्छा है, पैन पर कपात कराना है अगर सह पैन मुझे भाई बड़ी दुआ अब आप बड़ा दुआ करो पाजी मेरे बच्चे ने दुआ करो, ये नजरिया है लोगों का या लोगों का है भाई, इनू ना छेड़िया है तो पक्की छेद जे, इन छेड़ लिया तो मुसीबत है, तो रास्ता ही तो आ जाता है, ये बड़ा नेक है, ये बड़ा परहेजगार है, ये खुदा की खिदमत करता है, ये खुदा के घर के काम करता है, ये ऐसा है वैसा है, अपने बारे में भी सोचे ना कि लोग मेरे बारे में कहते हैं, खुदा की स्वर मसीह ये सवाल कर रहा है और ये सवाल मैं आज आपके सामने रखता हूं। मैं एक दफा एक इलाके में गया, गांव में गया, उस गिरजे की बरकत कर दी सी, मैं मीटिंग कर रहा तो मैं समझ गया मैं हवाले पढ़े, मैं वैसे तुसी फादर के बारे की समझते हो, फादर जी जोड़े तुम्हारे फादर जी अपना नाम दे फादर खुदा के बंदे होते मैं कभी सोच दोगे फादर को पैसा बहुत है, फादर को गड्डी है, फादर को जरा वे जो मर्जी बाहर जा सकते हैं, फादर सौंदे रहते हैं, फादर आराम करते रहते हैं, फादर जड़े ने बस उन्होंने चंदी का प्याम हों, फादर किसी की गल नहीं सुनते, फादर को टाइम नहीं है, यह है फादरों के बारे में नजरिया, यह है या नहीं है, सामने नहीं बोल रहे फादर जी तुम बड़े चंगे पर तुम मिलने में बड़ा सुकून, लोग मेरे बारे में अपने बारे में जानना बहुत जरूरी है, जो अपने आप को नहीं समझा वो खुदा को कैसे समझेगा, पहले अपने आप को समझना कि मैं कौन हूं, मेरा वजूद क्या है, मेरा एहसास क्या है, मेरा होने का मकसद क्या है, फिर दूसरी बातों के बारे में सोचना, लोग मेरे बारे में, तो जो लोग आपके बारे में कह रहे हैं क्या उसको बदलना आसान है, क्या बदल लेंगे उसको, जो इतने सालों से एक बहुत सारा एक स्ट्रक्चर आपका बना है, एक जहन बना है, रवैया बना है, वो रवैया बदलता बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अपने आप को तोड़ना पड़ता है, दुआ कर दुआ अपने आप ना कन्फेशन करना खुदा की हुजूरी च, खुदा मैं बदल दे, खुदा मैं बदल दे, वो दुआ तक रह चल रहा है, इतों निकले बाहर फिर रवैये वैसे सेम, जो 30 सालों से 40 सालों से 50 सालों से रवैया बन गया हुआ है तनकीद करने का, दूसरा
दूसरों के बारे में बातें करने का, दूसरों का हक मारने का, कोई और कोई बुराई जिंदगी में, बदी कोई जिंदगी में, वो बदल नहीं रहा। हम कलाम को भी सुनते हैं, हमने मतलब मनो के हिसाब से यूहस में भी शामिल हो गए, उसी के बदन को भी खा लिया, लेकिन तब्दीली जो है वो आई, वो कमा नहीं आई। तो इसलिए पहले ये जरूरी है अपने आप को परखना कि मैं तो क्या मैं बताता हूं, मैं बड़ा नेक हूं, मैं बड़ा अच्छा, अभी मैं किता जे बदिया भी मैं किता जे बदियो भी मैं किता जे भाजी मैं भाजी मैं भी बनवाया जाए, मैं ये भी किया, मेरा ये मेरे बच्चे ये करते, मेरे फलाह करते, ये मैंने घर बनाया, बहुत सारी बातें आप अपने बारे में बताते हो लोगों को, मेरा मुद्दा इन्ना पढ़िया लिखा साढ़े वह कानून वाले, वो तो बता रहे हैं आप लोगों को, वो तो सबको पता है, लेकिन जो आप ऐसा शख्स है वो कब तब्दील हो, उसके बारे में पहली बात जानते हैं या नहीं जानते कि लोगों का नजरिया मेरे बारे में क्या है। नहीं नहीं, लोग झूठ बोलते हैं, लोग ही काम बोलते हैं, अगर कोई नजरिया बना रहा है आपके बारे में, कुछ ना कुछ तो बात है, कुछ ना कुछ तो बात है जो बात निकली है, तो उस बात को समझना, उस बात की को दुरुस्त डायरेक्शन देना ये बहुत जरूरी है। इसी खुदा की सूरत से पूछता है कि लोग मेरे बारे में आवाज ही है क्या कहते हैं, कैसा मासूम बच्चा बड़े गौर से ये सुन रहा है, मामा की गोद में है और बड़े गौर से प्लान कर रहा है, अच्छी बात है, तालियां बजा दे इसके लिए सर, शाबाश। और वो बच्चा जगह ही बदल जा रहे हैं, कभी अगे आ रहा है, कभी पीछे आ रहा है, बच्चों बच्चे मासूम हो, तो हम बात कर रहे हैं कि लोग मेरे बारे में अपने आप को सबूत को इसको बदलना पड़ोगे। खानदानी जिंदगी में ना हम अपने आप को नहीं समझते, 25-30 साल अजदवाजी जिंदगी में हो चुके हैं जोड़ों, 40-40 साल तो सिद्धार्थ की टीम कहती है एक तो मैं बंदे को नहीं समझी, हाले तक मैं बंदे को समझी, बीवी त्रास कर रही हूँ इन्हें समझी नहीं, जब बंदा उस बीवी के बारे में त्रास कर रही, मियाँ बीवी सालों साल इकट्ठे रह गए एक दूजे को नहीं जानते, कहीं हसी दो दिन मिलने कहने हाँ हसी मैं जानना है, भाई हम किसी को जान नहीं सकते, मुकम्मल ही जानते, हम अपने आप को ही जानते नहीं। अभी इधर मैं मुकद्दस बना हुआ दुआ कर रहा हूँ और उससे निकलते ही चर्च के कोने पे उसने गेट पर उसे किसी ने मुँह मारी हो जाए लड़ाई माँ पैर निकाल या तू तू मेहमान हो जाए, ये अपने रवैये को समझना कि मुझे क्यों मैं क्यों कर रहा हूँ, ये अगर गुस्सा आ रहा है किसी बात से एतराज है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि अपना रवैया बना लिया है कि नहीं मैंने गुस्सा पड़ा मैं कभी गल बर्दाश्त नहीं करता, क्यों बर्दाश्त नहीं करते भाई, क्योंकि आप अपने आप को समझना ही चाहते नहीं, आपको चाबी वाला बंदर बना दिया गया है, किसी ने गल की चाबी परी तो बंदर नचना शुरू, घर च कभी कभी उसका कोई नूह छेड़ते सस ते सस अगर शुरू हो गया लक्ष्मी घंटा या पुत्र प्यो को छेड़ते कोई कदर नहीं करते प्यो को तो बर्दाश्त कर छोटे होते तो भी कटिया हाले तक नहीं बदला गया तेरे घंटा नेचर देर तक बदल जाना, किसी ने कोई बात गुस्सा दिला दिया और हम बड़े बड़े हमने ऊंची बोलना शुरू कर दिया, क्यों ऐसे ना चाबी किसको भरते हैं, एक जुमला ही काफी होता है चाबी भरने के लिए, तो कभी कभी वो जो चाबी वाले बंदर होते हैं ना ताली बजाने वाले ढोल बजाने वाले ना कभी देखिए छोटे छोटे से खिलौने होते हैं उनमें चाबी भरो वो फिर ढोल बजाते हैं ताली बजाते हैं, हम वैसे ही करते हैं और हम समझते कि नहीं अर्जी बड़ा गुस्सा वाला है, गुस्सा नहीं दिखाया आपको चाबी एक जुमले ने भर दी आपने वैसे करना शुरू, लोग आपकी चाबी के बारे में जानते हैं, लोग आपके रवैये के बारे में जानते हैं, लोग पहचानते हैं कि आप कौन हो,
थोड़ा वो जानते हैं, थोड़े से रवैये को जानते हैं, इसे अपने आप को पहचानना ये बहुत जरूरी है। और इसमें हमारी मदद जो है वो खुदा यीशु मसीह कह रहा है, कह रहा है शागिर्दों से कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, अपने बारे में समझना ये बहुत जरूरी। और जब आपने समझ लिया कि मुझे गुस्सा आता है, छोटे बच्चों पर आता है, भाई गुस्सा बच्चों पर क्यों आ रहा है, बाबे को रोटी नहीं मिली, ये रोटी उन्होंने बना दी है सत्ता दी जी, बाबे के दंद लगे ने, रोटी चपाई नहीं जा रही माई वालों, तो मूह तो चली नहीं गल बाहर निकलते दूजे के बच्चों मैं काम करना शुरू, बच्चे बाहर खेडन डे तो बाबा निकलते खेड बच्चे ने डट जा सो रवैये बना देते हैं, उन रवैयों को बदलने की जरूरत है, अपने बारे में समझने की जरूरत है कि अगर जो रवैया हमने बनाया है क्या वो बदल सकता है, बदल सकता है, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, जब मैं समझ लूंगा तो फिर मैं लोगों से प्यार करना शुरू कर दूंगा, इंसानों से प्यार करना, अपने आप को बदलना, अपनी जुबान को बदलना, अपनी सोच को बदलना। अगर कोई माशरे में बात हो भी गई है सोचना, अगर ये बेटे ने कोई बात की, अगर इसने कोई ऐसी हरकत की है, ठीक है मुझे रिटिशन वाली गुस्सा आ रहा है, लेकिन इस पर बातचीत हो सकती है, एकदम गुस्सा दिखाने की जरूरत है, बाद में बात कर सकते हैं, मेरा मसला क्या है, तसल्ली से बातचीत करना, यह जरूरी उसका हाल गुस्सा ही है, कि गुस्सा करेंगे तो ऐप बच्चे करेंगे सुधर जाएंगे, गुस्सा करेंगे तो इन्होंने दबा देंगे, अब तो और ऐसा नहीं। सो अजीज बहनों भाइयों, इसे जो अपने एहसास और जज्बात को समझ जाता है फिर खुदा भी उसको इख्तियार देता है, खुदा उसको बरकत देता है। और यही बात जो है वो खुदा का कलाम आज फरमा रहा है कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर, जब हम अपने आप को समझना शुरू कर देते हैं लोग दिली तौर पर हमारी इज्जत करते हैं। आपने एक जुमला क्या किया, उन्होंने सुन लिया और उन्होंने अमल करना शुरू किया, आपने कुछ उन्हें बताया उन्होंने तवज्जो से बात सुनी, आपने कुछ कहा वो आपके रवैये को समझ के फिर फौरन पहले से काम कर दिया। सो खुदावंद यीशु मसीह बताते हैं कि भाई ताल्लुक दो तरफा, जब हम खुदा से ताल्लुक तभी बना सकते हैं जब इंसानों के साथ ताल्लुक वाबस्ता, हम नबी बने रहे, हम बड़े कोई पैगंबर बने रहे, हम कोई जो है वो मौजज़ात करने वाले बने रहे और इंसानों से प्यार ना करें तो ये फिर ये कॉल ऑफ फेल में तसाद है। और आज खुदा का हमें यही दावा देता है कि हम अपने आप को बदलें, अपने आप को जानें और खुदा के साथ अपने रिश्ते को इस्तेवाल करें मसीह खुदा की रसला से। आइए हम सब खड़े होकर अपने मसीह की ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा है, ईमान रखता हूँ खुदा पाते उनके बाप पर जो आसमान और जमीन का खालिक है और यीशु मसीह पर जो उसका दूध का पिता और हमारा खुदा है, रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी जमीन से पैदा हुआ, उसने कहम सला उस कहर में उठाए, सुख हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरसात के उतार तीसरे रोज कुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा बादे अपने बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है, मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कैप्रोफेसिया मुकदसों की शाख है, गुनाहों की माफी जिसम के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर आमीन। मेरे अजीज भाई और बहनों, अभी वक्त है जो अपनी दुआएं इल्तिजाएं और अपनी मनाजात खुदा के हुजूर में पेश करें। हम दुआ मांगते हैं आलम के कलीसिया के लिए, कलीसिया के इत्तेहाद सलामती और बका के लिए, अपनी मुकामी कलीसिया पाकिस्तान के लिए, बिलखसूस अपने पैरिश के तमाम उसी घरों खानदानों के लिए,
کہ خداوند ہمیں اپنے مسیح کے شخص پہچان اور شناخت میں مضبوط رکھے، ہمارے ایمان کی مضبوطی اور استقامت ہمیں عطا کرے، تاکہ ہم ہر طرح کے حالات اور واقعات میں اپنی مسیح پہچان اور ایمان کو قائم کریں۔ عزیز و اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ ہم دعا مانگے اپنے پاپا یاسن کے لیے، ان کی اچھی صحت اور سلامتی کے لیے، تمام کارڈینلز کے لیے، بشپ صاحبان کے لیے، کاہنوں کی کل جماعت کے لیے، تمام رہبان اور رہبات کے لیے، ان کی بلادوں کے لیے، مبشران انجیل کے لیے، ان کی خدمت اور رسالت کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے جو کلیسیائی کاموں میں معاونت کرتے ہیں، جو کلیسیائی انجیل کے پھیلاؤ کے مشن میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، کہ خدا ان کی خدمت اور رسالت کو پھلدار کرے، کلیسیا دن بدن اور زیادہ مضبوط ہو اور انجیل کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پھیل جائے۔ عزیز و اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ ابھی آپ کے پاس بھی وقت ہے، اگر آپ میں سے کوئی دعا کرنا چاہتا ہے تو آپ بھی ضرور کیجیے۔ ایک انسان ہوتے ہوئے انسان کے لیے بہتر سوچیں۔ عزیز و اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ ہم دعا کریں پیارے خداوند خدا باپ، تمام بیماروں کے لیے کہ جو بیمار ہیں پیارے خداوند انہیں صحت یابی اور تندرستی دے، تاکہ تیرے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ عزیز و اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ آئے ہم سب مل کر دعا کریں خداوند کے بندہ کے لیے، جس کو خداوند نے ہمارے درمیان موجود کیا، تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے خداوند کا کلام سنا، تاکہ ہم سب اپنے آپ کو جان سکیں، پہچان سکیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ عزیز و اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ پاکستان میں بسنے والے مسیحی قوم کے لیے دعا کرتے ہیں، جو خوف اور ہراس کی وجہ سے علاقۂ عاظرہ میں کافی پریشان ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند جو اس کی گھڑی میں ان کی مدد کرے، حوصلہ دے، تاکہ وہ اس خوف و ہراس سے باہر نکل کر بہتری فضا میں رہ سکیں۔ خداوند آپ ہمارے ساتھ ہو، اور خاص طور پر دعا کریں جو مذہبی انتخاب کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، کہ خداوند خدا پر رحم کرے اور برکت دے، تاکہ وہ پاکستان میں امن، بھائی چارہ اور انصاف کی بات کر سکے۔ عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ ہم کلیسیا کے اپنے ان خادمین کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، جو کہ جڑا والا میں اپنے لوگوں میں ان کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے لیے انتظامات کر رہے ہیں۔ خداوند اپنے خادموں کو چھو، ان کو بڑی برکت دے، تاکہ وہ کلیسیا کے لیے اور بہتر سے بہتر فیصلے کریں۔
अजीब उस मकसद के लिए दुआ करें। अरे खुदा हमारी दुआ सुन। ऐसे इलाकों के लिए दुआ करें जहाँ पर लोगों को मुख्तलिफ किस्म का खाना खिलाते रहे हैं और चूँकि यातायात और लाव लगाव लोगों को बुला रहे हैं एक बार तय किया जाए। तम आज जबकि ऐसे इलाक और ऐसे मामला चल रहे हैं आज पूरे पाकिस्तान में चर्चित में दानवाएँ हो रही है तो हमारी हिफाजत करें हमारी महनमई करें और हमें अवस्था दें इसी को इस मकसद के लिए दुआ करें। हमारी दुआ सुन। Thank you.
आपके हजूर में कबूल को फरमाए। आइए हम अपने सर को झुकाए और दुआ मांगे। ऐ खुदावंद खुदा, तूने एक ही सभी है कि एक बार कुर्बान होने के लिए अपने लिए तबन्नियत की कौम खरीदी है। अपने रहम और करम से अपनी कलीसिया को अमन और इत्तेहाद की तौफीक अता फरमा, मसीह खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं, हम ध्यान लगाते हैं, हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कद्दूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। उसने इस जहान में पैदा होकर पुरानी इंसानियत को नया कर दिया और दुख उठाकर हमारे गुनाहों को मिटा डाला। उसने मुर्दों में से जिंदा होकर हमें ये बख्शा कि हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो। उसने आसमान की तरफ बाप के पास जाकर हमारे लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम मुकद्दसीन के साथ मिलकर तहम ये कहते हुए तेरे गुणगान गाते हैं। कद्दूस 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 और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा।
हम आज के साथ इंतजार करते हैं बख्श दे के मसीह का बदल और खून देकर और उसके आशीष से आपस में आए खुदा हम तेरी सेवा को याद करते हैं और साथ ही हमारे रूहानी बाप पापा एजी फ्रांसिस हमारे बिशप सैमसन और अपने सब खादिमों को याद कर तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली है उसे कामल मोहब्बत अता कर हमारे उन बहनों और भाइयों को भी नजर कर जो जीवने की उम्मीद रखते सो गए नीज तमाम रूहों को याद कर और उनको पिरोशनी में कबूल फरमा हमसे विनत करते हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा की बारी मां का माली मरी हजरत यूसुफ उसका निहायत पाक और तमाम मुबारक रसूलों और मुकदसों मुकदस बांस का सरकार और सब मुकदसों के साथ जो इस जहां में तेरी मर्जी पूरी करते रहे हमेशा की जिंदगी में शरीक और तेरे बेटे यूसुफ उसी पुरस्कार से तेरी हम और सना कर सकें उसी के जरिए उसी के साथ और उसी में उसी तरह दुआ मांगे जिस तरह हमारे खुदावंद ने खुद हमें मांगना सिखाई है करते हैं हमें संपत्तियों से बचा इन दिनों में इस्लाम की बख्श ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपने मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आजाद और जीवन से महफूज रहे सलामती तुम्हें देता हूं हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है आमीन हमारे खुदा यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो आपके साथ भी हो आइए एक दूसरे की सलामती चाहे खुदा के बर्रे जहां के गुनाहों को उठाए जाता है हम तेरे नाम पर खुदा के बर्रे जहां के गुनाहों को उठाए जाता है हम तेरे नाम पर खुदा के बर्रे जहां के गुनाहों को उठाए जाता है हमें सब की इनायत कर भाई और बहनों ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है कितने ही मुबारक है हम सब जो इस पाक बर्रे की ज़ियारत में बुलाए गए
आइए हम अपने सर को झुकाए और दुआ मांगे। ऐ खुदा हम तुझसे विनती करते हैं, हमें अपने रहम के मुताबिक पूरे इलाज का काम करते, मेहरबान होकर हमने वो रूप पैदा कर के जिससे हम खुद ब खुद सरदर्दी के साथ सब कुछ तेरे संत के वाकी किया करें, उसी खुदाबंद के वसीले से। आपकी बरकत के लिए खड़े हों, खुदाबंद आपके साथ हो। हमारी आज की इबादत अपने किताब को पहुंची, खुदावंत की सलामती में रहें।